हूँ कि आज ये जो जलसा जो धरना रखा गया, सभी हमारे उलमाओं की जानिब से और आप इसमें शिरकत हुए, तादाद के सगत में शिरकत हुए, और इसमें आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे मुखरजी ने बताया आपको, ये लड़ाई अपनी ये आखिरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपको बार बार लड़ना पड़ेगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों को हमारे उलमाओं लोगों ने बताए, जिस तरह से अपने को शांति से ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाना है, और मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान किसी बात की जागीर नहीं, क्योंकि आजादी के औकात कई उलमाओं ने कुर्बानी दी है, 70,000 उलमाओं ने कुर्बानी दी है। जबकि मुल्क आजाद हुआ, जब ये आरएसएस के नेता ये कहा थे, कई हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी जब ये मुल्क आजाद हुआ है, और ये ये बताना चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये हिंदू राज करना चाहते हैं, पर हमारे कई हिंदू भाई हमारे साथ हैं, अल्लाह के फजल से इनके जो इम्कान है इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, आप किसी से घबराइए नहीं, हमारी हिफाजत अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही करने वाला है। डरो मत, जेल में जाना पड़ेगा, पहले लीडर जेल में जाएंगे। आपने जिस तरह हमको ताकत दी, इंशाल्लाह खून डालना पड़ा, खून डालने से ताकत हम पाएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की है, हमारे नेता अशोक राज जी चौहान ने पार्लियामेंट में असेंबली में इसका विरोध किया है, महाराष्ट्र में ये कानून लागू नहीं करना बोलकर। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर एक आप लोगों को बताऊंगा कि आज शांति से इस प्रोग्राम के बाद जाइए। आप लोगों से गुजारिश करते हैं, कोई जान बोट लगना नहीं चाहिए, और एसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमको परमिशन दी, और फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करके रुख्सत होता हूँ। खुदा हाफिज। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पर भेजा, हिंदुस्तान में ही भेजा ना।